Sure. हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नमस्कार जय हिंद एक्चुअली क्लासेस शाम को होती है तो इस वजह से गुड इवनिंग ही चल रहा है लेकिन अब ये क्या है गुड आफ्टरनून बोलो ठीक तो आप सभी को अगेन गुड आफ्टरनून नमस्कार जय हिंद इस बेहतरीन सेशन में आप सबका स्वागत है मैं नीरज सिंह बैसला और उर्फदा कोच आप सबके सामने लेकर आए एक बहुत शानदार टॉपिक मैथ का आज आप सब लोगों की डिमांड पर और यकीन मानिए ऐसा सर्कल आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मेरे सारे कैडिट्स जो अभी दर कमेंट में लाइव चैट पर मेरे से बात कर रहे हैं आप सबको बहुत सारा प्यार बहुत सारा प्यार मेरी तरफ़ से और जल्दी से एक से दो मिनट के अंदर इसको शेयर कर दो जो कि बोलना नहीं पड़ता है फिर भी आप लोग कर देते हो फिर भी आज हम चाहते हैं जल्दी से आप इसको शेयर करें ताकि हम आज स्टार्ट करें अपना सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन सर्कल और ऐसा सर्कल आपने यकीन मानिया आज तक नहीं पढ़ा होगा और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए तो जल्दी से जल्दी इसको पहुंचा दीजिए हर ग्रुप में फैला दो भाई संडे को मैराथन क्लासेज हाँ जी सर मैराथन क्लासेज़ होती है इस चैनल पर होती है अभी इंग्लिश ख़त्म हुई है आपकी अभी मैथ्स है फिर आपकी फ़िजिक्स की क्लास है तीन बजे से तो जल्दी से जल्दी भैया ये 170 180 बच्चे जितने भी हैं शेयर कर दो 300 400 बच्चे जुड़ो और स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक सर्कल जिससे हमारा एन जैसे एग्ज़ाम में चार क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स नेवी में तो भैया नेवी के लिए तो वरदान है जोमेट्री एयरफोर्स में भी एक क्वेश्चन आता है और आज आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखोगे ठीक है तो इनके अंदर एक एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड के अंदर चार आते हैं भैया है, उठा के देख लो कोई भी पेपर ठीक तो जल्दी से शेयर कर दो इसको सब ग्रुप में ताकि हम स्टार्ट करें आज अपना टॉपिक सर्कल और आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सर जल्दी से जल्दी शेयर करिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक ये चलो भाई ठीक है होपफुली आपने शेयर कर दिया होगा तो उसी पैशन के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल अपनी कॉपी लेके बैठ जाइए समय क्लास का एक घंटा है और कोशिश करेंगे एक घंटे के अंदर हम वो सब चीजें सीख जाएं जो अब तक आपने शायद कहीं सर्कल कहीं भी पढ़ा हो ठीक है मैं गारंटी लेता हूं आज आप ऐसी कई बातें सीखेंगे कि आप कमेंट में अपना प्यार अपना आभार व्यक्त करेंगे खिलाड़ी है वो नीरज सिंह बैसला ओके दो सो दो वॉचिंग थैंक यू जल्दी से एक बार लाइक को बटन को और दबा दें और चैनल वाईफाई डिफेंस एग्जाम है उसको आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहां पर हमारी रेगुलर क्लासेज होती हैं तो शानदार आपके रिस्पॉन्स के लिए बहुत सारा प्यार इसी तरीके से अपनी लाइव वॉचिंग और इसको बढ़ाते रहिए दो प्लस रखिए हमेशा सर्किल टॉपिक का नाम चलो भाई देखो इधर अब सर्किल क्या है क्या नहीं है लोकस यानी बिंदु पथ है फिगर से समझेंगे हर एक चीज को ठीक है मेरे पास मल्टीपल मार्कर हैं तो मैं इससे आपको और क्लियरिटी दे पाऊंगा एक ऐसा लोकस एक ऐसा बिंदु पथ एक ऐसी शेप जो अपने एक पॉइंट फिक्स पॉइंट से उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पर भी उसका डिस्टेंस सेम होता है उसको हम लोग सर्कल कहते हैं यहां पे भी पॉइंट लोगे ये डिस्टेंस सेम आएगा ये डिस्टेंस सेम आएगा ये डिस्टेंस सेम आएगा ठीक है भैया ये डिस्टेंस होता है क्या है सर ये डिस्टेंस त्रिज्या रेडियस कहलाता है ये डिस्टेंस क्या होता है सर ये डिस्टेंस नहीं होता ये कॉर्डिनेट होते हैं जो कहलाते हैं क्या सेंटर केंद्र ये आर क्या कहलाता है सर रेडियस त्रिज्या और इक्वेशन बनानी है अपने लोकस की इक्वेशन भैया बिना वेरिएबल के तो बन ही नहीं सकती वेरिएबल ले लिया एक्सकोमा वाई वेरिएबल क्या ले लिया एक्स कोमा वाई सभी के सभी कॉपी लेके बैठ जाएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप ध्यान रखना मेरी बात को ठीक है सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें एक्स वाई और एच के में तो ये दूरी आ जाएगी ये दूरी ए आ रहा है तो लगा देते डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट लगाते हैं लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आप देख पा रहे हैं कोई रटने वाली बात नहीं है सेंटर है फिक्स पॉइंट माने डिस्टेंस फॉर्मला लगाया रेडियस आ गई इसको हम बोलते हैं व्रत का समीकरण इक्वेशन ऑफ सर्कल तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप देख पा रहे हैं आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए सर्कल का समीकरण निकालने के लिए एच कॉर्डिनेट के कॉर्डिनेट और आर और एच के हैं क्या व्रत का केंद्र और व्रत की त्रिज्या यानी मेनली मेनली मोटी बातें कर लें मोटी बातों में आपको व्रत का केंद्र पता होना चाहिए और व्रत की त्रिज्या पता होनी चाहिए केंद्र और त्रिज्या ठीक है सर अभी ध्यान से देखना यहीं से आज आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो इफ एच के बिकम जीरो जीरो सर अगर एच के को जीरो जीरो कर दें यानी यार आपके व्रत के केंद्र शून्य शून्य हो गए क्योंकि एच के तो सेंटर थे केंद्र थे तो शून्य शून्य हो गए तो यहां एच और के जगह शून्य शून्य लिख दो जीरो जीरो लिखा तो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जिस बच्चे ने भी इलेवंथ क्लास में कुछ भी पढ़ा होगा उसको ये बहुत आसान बहुत सही तरीके से पता होगी तो मैंने सर्कल की इक्वेशन को दो पार्ट्स में तोड़ रखा है एक जब सेंटर एच के हो और रेडियस त्रिज्या आर हो तो ये समीकरण और जब सेंटर जीरो जीरो और त्रिज्या तो आर ले रखिए येरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर ये चीज हमको क्या सिखाने वाली है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हमको क्या सिखाने वाला है तो भैया जितने भी कैडिट्स हैं मेरे सामने बैठे हैं अभी ध्यान से देखो आपको यहाँ से क्या सीखने वाला है और ऐसे क्वेश्चन जो इस बार नेवी में आए एयरफोर्स में आते हैं वो सब आपसे होने वाले हैं सिर्फ देखते रहना ध्यान से मैंने ड्रॉ किया इस सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं सर केंद्र है इसके शून्य शून्य बहुत सिंपल से बहुत बेसिक से लेके चलूंगा ठीक है और एकदम आपको उड़ना सिखाएंगे रेडियस त्रिजाए आर सर जी ड्रॉ कर दो इसको ठीक है भैया ड्रॉ कर देते हैं ठीक है मान लीजिए ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं थोड़ी नहीं बहुत ही खराब है ठीक फिर भी मान के चलिए मैथ्स उतनी अच्छी है तो उसी चीज के साथ हम मैथ्स पे हैं तो ये एक सर्कल ड्रॉ किया है हम लोगों ने जिसका केंद्र शून्य शून्य है बहुत अच्छी बात और त्रिज्या आर है कहीं भी एक पॉइंट लेके आर बना लेते हैं, ये त्रिज्या आर है आप लोग सब समझ पा रहे हैं त्रिज्या आर है मैं इस पॉइंट को एक फिक्स पॉइंट मानकर कोई ए पॉइंट मान लेता हूं यानी सर्कल पर कोई भी पॉइंट ए निकालना कि है कि भैया किस रूप में होता है इसको हम सर्कल की पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप भी कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं ठीक है अब देखते हैं कैसे होता है तो मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ करी आप मुझे बताएं क्या ये कोऑर्डिनेट एक्स होगा बिल्कुल सर क्या ये कोऑर्डिनेट वाई होगा बिल्कुल सर और इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें बदल रही हैं ठीक है आप इस ट्रायंगल में इस वाले में ए ओ बी नाम रख देता हूं ए ओ बी में साइन थीटा लगाएं सर साइन थीटा बहुत आसान है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्योंकि नब्बे डिग्री है तो कर्ण ये लम बटे कर्ण तो वाई बाय आर आप इस ट्रायंगल में थीटा लगाएं थीटा लगा देते हैं सर थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण तो एक्स बाय आर क्लियर है तो यहां पर आपने देखा होगा एक्स और वाई की वैल्यूज निकल सकती हैं जो हमारे जनरल तो क्या बोलोगे आई सर, तो सर एक्स की वैल्यू आई आर कॉस थीटा बहुत बढ़िया भाई आर चला गया वाई की क्या वैल्यू आई सर वाई की आई आर साइन थीटा बहुत बढ़िया तो ये मेरे पास एक्स और वाई रिप्रेजेंट करने का तरीका मिल गया यानी अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो उसके ऊपर किसी भी बिंदु को एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय व्रत के ऊपर किसी भी बिंदु को दर्शाया जा सकता है आर कॉस्टिटा कॉमा आर साइन थीटा से या फिर आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो x इक्वल टू आर कॉस्टीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन ठीटा जुड़े रहना देखते रहना यहाँ से बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लभी लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन पेपर में आया था हम छोड़ कर आए थे ठीक है तो जो चीज आप एग्जाम में छोड़ कर आए थे वो सब होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू चलेगी बेटा वाईफाई डिफेंस एग्जाम पर इस चैनल पर आपकी मैराथन क्लासेस होगी हर संडे को जिसमें हम नमेशा नया टॉपिक लेंगे तो आज हमने सर्कल स्टार्ट किया है ठीक है बैच के बारे में बिल्कुल आप जुड़े रहो पहले इस टॉपिक को समझो तो आपने देख लिया कि सर सर्कल के ऊपर किसी भी बिंदु को एक्स इक्वल टू आर कॉस्ट ठीटा वाइज इक्वल टू आर साइन ठीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वाले में ठीक है भैया फिगर आपके सामने सब आपको दिख रहा है ठीक है अब मैं दोबारा से जब उसकी जरूरत पड़ेगी उसको ड्रॉ करूंगा अभी फिलहाल इसको यही मान लेते हैं ये निकल कर आ गया ठीक है ना तो आप किसी भी सर्कल पे किसी भी बिंदु को ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कोई मुझसे पूछे और थीटा के अकॉर्डिंग चीजें चेंज भी हो जाएंगी अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं देखना आप उससे रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से रिलेट भी कर पाओगे क्वेश्चन देखो एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पच्चीस ठीक है सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कितना आसान है यार सेंटर शून्य शून्य है हाँ सर शून्य शून्य तो इसका आर कॉसा आर साइन ठीटा से बात है बहुत छोटी है लेकिन आप समझोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो मान लो इसके ऊपर किसी भी चीज से सेंटर तो जीरो जीरो रेडियस पांच है क्योंकि पांच का स्क्वायर पच्चीस तो आप इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को पांच कॉस ठीटा को हम पांच साइन ठीटा लिख सकते हैं और ठीटा के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं यहां पर देखो ये वाई एक्स है इस पर एक्स जीरो होगा और वाई पांच होगा तो देखो क्या ठीटा नाइनटी है बिल्कुल सर ठीटा तो पाए बाय टू है और ठीटा पाए बाय टू है तो इसमें पाए बाय टू रख दो कॉस नाइनटी जीरो साइन 91, वन वन इंटू फाइव फाइव यहां पे बोलो क्या पॉइंट होता है सर माइनस पांच कॉमा जीरो होता है एक्स एक्स से नेगेटिव है वाई तो मिलेगा ही नहीं एक्स मिलेगा नेगेटिव का तो मुझे बताओ यहाँ से यहां आने में क्या एक सौ अस्सी का एंगल है हाँ तो एक सौ अस्सी रख दो कॉस एक सौ अस्सी माइनस वन माइनस वन गुणा में पांच माइनस वन साइन एक सौ अस्सी सर जीरो जीरो गुणा में पांच जीरो यानी इसी अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर घूम सकते हैं इन पॉइंटों की मदद से आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से क्या आपकी समझ में ये बात आई मुझे जल्दी से बताएं ठीक है ठीक है चलो आज देखा घोसला तो मिलकर नीरज सिंह बैसला अरे भाई ये कौन सी राय में कुछ अच्छी शायरी करो देखो इधर अब देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे एयरफोर्स नेवी दोनों में आया सिर्फ इतने से ध्यान से देखना ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पच्चीस पॉइंट ए इज बिंदु ए है फाइव रूट थ्री बाई टू फाइव बाई टू इफ ए इज रोटेटेड नाइन हिंदी में बोलूंगा अभी नाइनटी डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फाइंड न्यू पोजिशन ऑफ ए हिंदी में लिखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया वेरी इंपॉर्टेंट किस किस में आए सर एयरफोर्स नेवी पहले नेवी में आया था पिछली बार इस बार एयरफोर्स में आपका पूछा जाएगा नेवी में आ चुका है सभी देखें सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो ध्यान से यदि व्रत है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पच्चीस ठीक है उस पर कोई बिंदु ए है जो है फाइव रूट थ्री बाई टू और पांच कॉमा दो किसी व्रत पर बिंदु ए का मान है पांच रूट तीन बटा दो पांच बटा दो और बिंदु ए को घड़ी की विपरीत दिशा में नब्बे डिग्री घुमा दिया जाए तो उसका नया स्थान पूछ रहा है क्या होगा बिंदु ए को घड़ी की विपरीत दिशा में नब्बे डिग्री नब्बे से दिक्कत है लो सिक्सटी डिग्री कर लो आपकी मर्जी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नब्बे करो सिक्सटी करो कुछ भी करो आपकी मर्जी है 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो का नया स्थान पूछ रहा है क्या होगा पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा फिर ध्यान से देखना सर एक बार इसको ड्रॉ करना ड्रॉ कर देते हैं यार केंद्र इसके शून्य शून्य वो तो दिख भी रहते थे बार बार थोड़ी लिखेंगे हम और पच्चीस पाँच का स्क्वायर है लो भाई बना देते हैं केंद्र शून्य शून्य रेडियस पाँच ठीक है केंद्र शून्य शून्य और रेडियस पांच ठीक है अब मैंने आपको बताया बिंदु को रखा जाता है आर थीटा आर साइन थीटा से आप सभी को पता है आर थीटा आर साइन थीटा अब यहां देख पा रहे होंगे आर तो ये रहा क्योंकि रेडियस तो पांच है तो पाँच ये है रूट थ्री बाय टू देखो ये है पाँच गुणा में एक बटा दो तो मुझे बताना कॉस रूट तीन बटा दो या फिर साइन एक बटा दो कितने पर होता है सर कॉस रूट तीन बटा दो और साइन एक बटा दो ये तो तीस डिग्री पर होता है तो यहां से थीटा पता लग गया तीस डिग्री देखो तो यानी तीस डिग्री यहां पर कहीं मान लेते हैं थर्टी डिग्री पर ये है फाइव रूट थ्री बाय टू और फाइव बाय टू ठीक है अब कह रहा है यहां से नब्बे डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी की दिशा में ऐसे जाते हैं घड़ी की विपरीत ऐसे ये रहा रब्बे डिग्री क्योंकि साठ तो रह गया ये रहा रब्बे डिग्री यहां से 90 डिग्री घुमा देंगे तो ए का नया स्थान पूछ रहा है कितना होगा यहां से 90 डिग्री घुमा देंगे तो ए का नया स्थान पूछ रहा है कितना होगा कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया और अरविंद चौधरी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है देखो कितना होगा भैया मुझे स्पेस चाहिए यहां के लिए मैं तो डायरेक्ट फॉर्मला बता दूंगा इसके बाद पहले समझो सर एक काम करो ना तीस पहले ही था और घड़ी की विपरीत दिशा में नब्बे चला गया तो यहां से तो सर एक आ गया और ठीठा तो यहीं से कैलकुलेट करते हैं तो आप एक काम करो ना सर आर कॉस एक सौ बीस कौमा आर साइन एक सौ बीस लिख दो ना और आर कितना है पांच है भैया नब्बे नहीं लिखेंगे तीस के बाद नब्बे तीस के बाद एंटी क्लॉक वाइज नब्बे घूमा है तो तीस भी तो लोगे शुरू में तो तीस प्लस नब्बे कितना एक सौ बीस तो आपका आंसर आ गया कॉस एक सौ बीस आपको पता है माइनस का एक बटा दो साइन एक सौ बीस पता है आपको रूट तीन बटा दो ये नई पोजीशन अरविंद चौधरी ने सही आंसर दिया और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया तो बताओ क्या ये नई चीज थी कि नहीं थी तो सर अब हम कैसे करेंगे हम डायरेक्ट कैसे करें आप इतना मेहनत नहीं करोगे समझाऊंगा मैं सब डायग्राम फिगर बना के आप कुछ नहीं करोगे आप पेपर में कैसे करते आप सभी बच्चे ऐसे करते देखो पता है सर आर थीटा आर साइन थीटा होता है ठीक है पांच तो दोनों में लिखा एक जगह लिखा है रूट तीन बटा दो और एक जगह लिखा है एक बटा दो तो मुझे बताना क्या ये कॉस होता है पहला और दूसरा साइन होता है तो क्या देखने मात्र से आप ये नहीं बोल सकते सर रूट बटा दो, में पर होता है और एक बटा दो साइन में तीस पर होता है तो ये चीज पहली दिमाग में आएगी नहीं आएगी मुझे हा या ना करके बोलो बिल्कुल पंद्रह सेकेंड लगे शाहवा शरबिन चौधरी क्या मुझे बताओ ये चीज एक मिनट में आएगी नहीं आएगी थीटा तीस डिग्री क्योंकि पांच कॉस थीटा कॉस रूट तीन बटा दो तीस पर पांच साइन थीटा एक बटा दो कितने पे तीस पे अब यहां से दो प्रकार की चीजें होंगी मैं आपके लिए लिख देता हूं अगर कभी लिखा हो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत तो आप उस एंगल को प्लस कर देंगे अगर कहीं लिखा है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में तो आप उस एंगल को माइनस कर देंगे और खत्म कहानी इतना ही करना है यानी ए का नया स्थान पूछ रहा था आपको पता स्थान होता है पांच कॉस थीटा कोमा पांच साइन ठीटा पांच क्यों रेडियस है और थीटा तीस ऑलरेडी है ही क्योंकि उसके बाद घुमाना है तो आप मुझे बताओ उसके बाद कह रहा है कि उसको नब्बे डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया गया नब्बे डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया गया तो मैंने क्या बोला है विपरीत दिशा में क्या करोगे प्लस कितना नब्बे तो तीस में नब्बे जोड़ देना था बस खत्म तो तीस और नब्बे एक सौ बीस कॉस एक सौ बीस अभी आपने बताया एक बटा दो माइनस साइन एक सौ बीस रूट तीन बटा दो तो ये नया स्थान है भैया एक का समझे नहीं समझे ब्रांड न्यू था सर ये पर आज आ गया मेरे को आयुष रावत ओके okay, आयुष बहुत अच्छी बात तो आप समझ पा रहे हो अभी देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं मुझे बता देना कैसे करोगे ठीक है मान लो मान लो मान लो मैं इसको 60 डिग्री 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ अब मुझे बताओ वही क्वेश्चन है एक व्रत है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पच्चीस इसके ऊपर बिंदु है जो कि पांच रूट तीन बटा दो और पांच बटा दो है और मैं एक को घुमा देता हूं सिक्सटी डिग्री घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज घुमा देता हूं तो ए का नया स्थान बताओ यार क्लॉकवाइज में क्या करते हैं सर माइनस तो भाई यहां माइनस कर दो लो तुम्हारा आंसर ये भी आ गया और कितना घुमाया उसने साठ डिग्री तो माइनस सिक्सटी और माइनस सिक्सटी अब तो कर लोगे करते हैं सर तीस में से साठ गए माइनस के तीस लेकिन थीटा तो तो प्लस होता है, तो होता है रूट तीन बटा दो तीस में से साठ गए माइनस के तीस साइन माइनस तीस माइनस तीस माइनस एक बटा दो ये रहा आंसर तो नया स्थान ये आशु वर्मा बेस्ट अप्रोच ओके ओके ग्रेट तो एक बार यार सेशन को क्लियर करो आला रे आला नीरज बैसला आला ओके चलो भाई जल्दी से एक बार सेशन को क्लियर करो 200 सौ वॉचिंग पर आप लोग अटक गए हो 200 तो उसी चैनल पे लेके आ जाते थे हम तो जल्दी से जल्दी उस चैनल पे तो आपको आना ही आना है ठीक है तो आप ये चीज़ समझ पाए बहुत अच्छी बात तो मैं ये सब हटा दे रहा हूँ आप बाद में नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार आप ज़रूर दोबारा इस वीडियो को देखें इस सर्कल में बिल्कुल आपके लिए बहुत बेसिक और बहुत अच्छे कंसेप्ट लेके आया हूँ अब आप सभी लोग शांति से सामने बैठना और कुछ चीज़ों को देखना जो मैं आपके सामने समझाने वाला हूँ सुनना मेरी बात आप बोलोगे सर मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था एयरफोर्स या नेवी में प्रीवियस ईयर सुनते रहे ना एयरफोर्स प्रीवियस ईयर आप में से किसी भी बच्चे को ये बात पता नहीं है और मैं शत प्रतिशत बोल दूंगा आप अभी हाँ बोलने वाले हो सर मेरे सेट में भी था मेरे सेट में भी था कोई भी नहीं करके आया होगा मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया है ठीक है हमारा जो भी बैच होगा पुराने बैचेस से बहुत अपडेट होगा हम ऑलरेडी इस चीज पर काम करते रहते हैं पूरी टीम की भैया ऐसा क्या मिले इन बच्चों को कि ये और काम आए ठीक है देखो क्या क्वेश्चन है ऐसे आएगा पेपर में फोर पाए बाय सिक्स टू माइनस पाए बाय थ्री फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जल्दी से बताओ किस किस के सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आया था फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं जो सर्कल के अंदर ही होती है लेकिन आप लोगों को नहीं पता जल्दी बताओ ये किस किस के सेट में आया था एनडीए में नहीं बोल रहा मैंने देखो क्या लिख रखा एयरफोर्स प्रीवियस ईयर पिछले साल का नेवी प्रीवियस ईयर इस बारे का किस, किस के सेट में इस टाइप का क्वेश्चन था यह बताओ ठीक है क्योंकि जिस दिन तुम पेपर देके आए थे आप सब लोगों की क्वेरी थी सर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हमसे तो हो नहीं रहा एक नंबर लिखा है एक एंगल लिखा एक नंबर लिखा एक एंगल लिखा है और सर क्या पूछ रहा है डिस्टेंस बता दो डिस्टेंस फॉर्मुला तो सबको पता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर लेकिन सर इसमें कैसे लगा दें एक एंगल है और एक तो पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री बेटे उस चैनल पर प्रॉपर चलेगा इसका बताओ दिनू के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन ठीक है विक्रांत क्या आया था चलो अब देखो इधर अब मेरी बात सुनना थोड़ी देर शांति से कोई कमेंट मत करो कोई शेयर मत करो अब सुनो मेरी बात क्योंकि ये फिर पेपर में आएगा ठीक है फिर पेपर में आएगा गड़बड़ हो जाएगी देखो इधर पोलर कोऑर्डिनेट नाम का एक छोटा सा टॉपिक है जो सर्कल से लिया गया है सर इसको इसमें कैसे पढ़ा रहे हो भैया इसी में रखा जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अभी अभी जब आपने देखा आपने एक सर्कल को रिप्रेजेंट किया था मैं दोबारा बना रहा हूं आप में क्लियरिटी लाने के लिए भैया पेपर में आएगा एक क्वेश्चन कंफर्म बोल रहा हूं सुपर स्टार नहीं पता किसी को नहीं पढ़ा था कोई टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं देखो इधर अभी आपने देखा था जब आपने यहां से एक्स और वाई को रिप्रेजेंट किया आर कॉस्ट थीटा और आर साइन थीटा ऐसी तो किया आपने आर क्या थी रेडियस थी थीटा क्या था ये था तो सर्कल पर कोई भी बिंदु को आ, आर को सीटा आर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी और ऐसे करके एक्स और वाई निकाल कर हमने कर दिया था एक्स इक्वल टू करके और वाईज इक्वल टू करके ठीक है पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय बिंदु क्या होते हैं ध्रुवीय बिंदु में हम एक्स और वाई को ना लिख के एक्स की जगह आर लिखते हैं और वाई की जगह थीटा लिखते हैं बोलो आया समझ या नहीं आया सर पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स की जगह आर लिखते हैं और वाई की जगह थीटा लिखते हैं हाँ भाई ये आर सर्कल का रेडियस होता है ये थीटा ये थीटा होता है और इस पोलर कोऑर्डिनेट को देख के आपके दिमाग में सिर्फ आना चाहिए आर थीटा आर साइन थीटा आपको बदलना आना चाहिए समझ में आई नहीं आई जल्दी बताओ आप कभी भी आर थीटा को देखो इसकी जगह आज के बाद क्या लिखोगे बोलो आर थीटा आर साइन थीटा क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में उसने आर और थीटा को तो लिया तो है ध्रुवीय बिंदुओं में लेकिन उनका मतलब क्या होता है आर थीटा आर साइन थीटा तो आज के बाद आप कभी भी नंबर और एंगल देखो आर इज नंबर कोई भी नंबर हो सकता है दो तीन चार पांच क्योंकि रेडियस है वो तो ठीक है और थीटा इज एंगल तो अगर आप कभी भी कोऑर्डिनेट के अंदर बंद करके देखो नंबर और एंगल ठीक है ठीक है क्या देखो भैया नंबर और एंगल तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये तो पोलर कोऑर्डिनेट है और इस आर थीटा को सर हम तो आर थीटा और आर साइन थीटा लिखेंगे आर थीटा और आर साइन थीटा समझे नहीं समझे अब देखो कितना आसान है तो यार ये पेपर में क्वेश्चन आया था कह रहा था इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए चार पाए बाय दो माइनस पाए बाय थ्री का बहुत आसान है कैसे करेंगे सर देखो इधर यार ये आर हो गया ये कॉस हो गया तो आपको चार और पाए बाय छ क्या ये लिख सकते हो 4 पाई चार कॉस पाए बाय छह साइन पाए बाय लिख दो फोर कॉस पाए बाय सिक्स कॉस पाए बाय सिक्स इज कॉस थर्टी कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाय टू फोर साइन पाइव बाय सिक्स साइन पाव साइन थर्टी वन बाय टू दो और माइनस क्या याद आया दो और माइनस फाइव बाई थ्री देख के याद आया दो माइनस फाइव बाय थ्री दो साइन माइनस दो कॉस माइनस 60 इज कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी इज वन बाय टू दो साइन माइनस सिक्सटी साइन माइनस सिक्सटी इज माइनस साइन सिक्सटी दो माइनस रूट थ्री बाय टू तो यार आप कभी भी चार और पाए बाय को देखते तो आपको यह लिखना था फोर कॉस फाइव बाई सिक्स फोर साइन फाइव बाई सिक्स आपने दो और माइनस फाइव बाई थ्री को देखा टू कॉस माइनस फाइव बाई थ्री टू टू साइन पाइव बाई थ्री बोलो समझ में आई नहीं आई बात ठीक बहुत बढ़िया अब देखो कहीं का बचा यह क्वेश्चन भाग कर दो, दो से चार कटा टू रूट थ्री ये कितना भैया दो दो से दो कट गया एक दो से दो कट गया माइनस रूट थ्री अब डिस्टेंस पूछ रहा था इसके इसके बीच में लगा दें एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर तो टू रूट थ्री में से वन किसी को भी किसी में से घटा दो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर करें तो तिया बारह ए माइनस बी का होल इसको लिख रहा हूं चार तिया बारह एक का स्क्वायर एक और माइनस टू ए बी फोर रूट थ्री दो का स्क्वायर चार रूट तीन का तीन और फोर रूट थ्री फोर रूट थ्री से फोर रूट थ्री कैंसिल बारह और एक तेरह सत्रह, तीन बीस बीस को क्या लिखोगे आप चार पंजे बीस यानी दो रूट पांच यूनिट ये आंसर था ऑप्शन में ये आंसर था ऑप्शन में जल्दी से लाइक करो अगर चीज समझ में आई तो बताओ क्या नया कंसेप्ट सीखा क्या सीखा आपने पोलर कोऑर्डिनेट किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया क्यों नहीं पढ़ाया पता ही नहीं है क्या आया सर एयरफोर्स प्रीवियस ईयर कहाँ आया सर नेवी में किसके पेपर में आया दिनू के किसके विक्रांत के और उन सब शिफ्ट में जिनका इनके साथ पेपर था थैंक यू आयुष थैंक यू आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर करें भाई इसको ठीक है सेशन को लाइक जरूर करें ताकि हम लोगों को और प्रेरणा मिले यहां से आप लोगों के लिए और अच्छी चीजें करने की तो आप सीख गए सर पोलर कोऑर्डिनेट को हम करना सीख गए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं मुझे जल्दी से आंसर बताओ कौन बच्चा बताएगा जल्दी से पोलर कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है दूरी बतानी है ठीक है अब आप कर लोगे बहुत शानदार क्वेश्चन है ये मैंने आपका करा दिया जो प्रीवियस ईयर था जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं जो सर्कल से लिया गया है कहने को लिखते हैं नंबर और एंगल आर और थीटा लेकिन आर थीटा का मतलब क्या है आर कॉस्टा आर साइन ठीटा आर थीटा आर साइन थीटा किससे लिया है सर सर्कल से तो भैया पूरा पढ़ेंगे जो भी बेसिक से आया है पूरा का पूरा थैंक यू सिद्धार्थ चौधरी और बहुत स्टुपेंडेंस कमेंट करते हो आप मजा आ जाता है देखो एक क्वेश्चन देखो आप बताओ मेरे को जल्दी से आंसर लिखो दो पाए बाय टू और फोर पाई, जल्दी से इनके बीच का डिस्टेंस कौन बच्चा बताएगा फास्ट डिस्टेंस जल्दी 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 कौन बच्चा बताएगा इन दोनों के बीच की दूरी आप कंफ्यूज मत होना एक नंबर है और एक एंगल है एक नंबर है और एक एंगल है तो कौन से कोऑर्डिनेट है सर ये पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय बिंदु ध्रुवीय बिंदु को ऐसे लिख के फिर दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी फॉर्मूला बताओ इन दोनों के बीच में भैया जल्दी 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 आयुष रावत और बाकी बच्चों को मैं बता देता हूं देखो आप सुनना मेरी बात जितने बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं आप 25 क्वेश्चन को ब्रेक करोगे आपके कई तरह के प्रकार की, की चीजें आएंगी 16 से 18 क्वेश्चन इजी बोलते हैं जो अगर किसी बच्चे ने ठीक ठाक तैयारी करी है बढ़िया मेहनत करता है वो स्कोर कर सकता है ठीक है चलो भाई जो हमारे होते हैं छह से आठ क्वेश्चन ठीक है यही एवरेज लेके चलना है एवरेज ले रहा हूँ मैं सोलह आठ कितने सोलह और अट्ठारह कितने हो गए हमारे चौंतीस चौंतीस का आधा सत्रह तो सत्रह क्वेश्चन में एवरेज लेके चल रहा हूँ ईजी होते हैं आठ छः चौदह ठीक है चौदह का एवरेज कितना आ गया सात ठीक है इनको कम ले लो थोड़ा सा मॉडरेट होते हैं ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी करिए बच्चा कर सकता है ठीक है और आपके ले लेते हैं हम तीन से पांच थोड़े से हार्ड टफ और बहुत शानदार जिन्होंने तैयारी करी है वो बच्चे कर पाते हैं एक से तीन बोलो तो ये आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हो गए तो यार मैं आपका एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा आप टफ आपको लग रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है पोलर कोऑर्डिनेट जिसको पता लग गया उसके लिए तो आसान हो गया जल्दी से लाइव वॉचिंग बताओ रूट बीस अरविंद चौधरी का आंसर रूट बीस रूट बीस टू रूट फाइव योगेश चौधरी शाबाश आप बिल्कुल सेशन में जुड़े रहते हो और एक भी क्लास मत स्किप किया करो ठीक है चलो भाई अब कितना आसान है इसको लिखते हैं पहले इसको ये लिखा जाएगा आर कॉस 90 कॉस नाइन्टी जीरो आर साइन नाइन्टी साइन नाइन्टीज वन यानी दो गुणा में एक दो दो कॉस दो कॉस नाइन्टी जीरो दो साइन नाइन्टीज टू चार कॉस एक सौ अस्सी चार कॉस एक सौ अस्सी यानी माइनस चार चार साइन एक सौ अस्सी जीरो खत्म डिस्टेंस फॉर्मला लगा दो 4 का सोला, 2 का चार का स्क्वायर सोलह दो का स्क्वायर चार टू रूट फाइव रूट बीस बिल्कुल सही आंसर है क्या ये टफ है आप मुझे बताओ आयुष रावत क्या ये आपके एग्जाम में आया आप अपनी कर पाओगे तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले जज मत करिए कि टफ है या इजी है आपको नहीं पता है तो टफ है पता लग गया तो ईजी है थैंक यू शिवम धीमान आई लव यू आई लव यू टू शाबाश जल्दी से जल्दी लाइक बटन दबाओ और फायदा उठाओ और इस बार डिफेंस में लो अपना सिलेक्शन क्या आपको और क्वेश्चन करना है मुझे लगता है पोलर कोऑर्डिनेट आपकी समझ में आ चुके हैं ठीक है एक लास्ट और कर लेते हैं जैसा हु दूसरे सेट में आया था क्योंकि उस सेट के अलावा औरों में आया था और इसका आंसर देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले देगा दूरी बतानी है डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है थ्री कॉमा जीरो ठीक है और दूसरा है फोर कॉमा पाए टू जल्दी से इन दोनों के बीच बीच का डिस्टेंस बताओ डिस्टेंस और आप बोलोगे सर हम कैसे पहचाने पोलर है यहां से तो नहीं पहचान पा रहे भैया यहां से तो पहचान लिया ये पाए बाय टू कोई नंबर थोड़ी ना एंगल है अगर ये एंगल है तो ये भी एक एंगल होगा कौन जीरो जल्दी से दोनों के बीच की दूरी बताओ भैया शाबाश जल्दी 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 संजीत यादव जलवा सर जी का धन्यवाद ठीक है वीडियो को दोबारा जरूर देखना ये सर्कल के मैंने क्या बोला था आप तक आपने ऐसा सर्कल पढ़ा ही नहीं होगा और एग्जाम में तो आ रहा है कितने इजी बना के आपके सामने रख दिया हम लोगों ने जल्दी पांच खत्म तीन चार का ट्रिपलेट कितना पांच सबसे पहले आंसर किसने दिया कुलदीप कुमार उसके बाद अरविंद चौधरी नहीं पहले अरविंद चौधरी फिर कुलदीप कुमार फिर प्रिंस पाल तो ये तीन टॉप स्टूडेंट आज के जिन्होंने आंसर दिया बहुत फास्ट कैलकुलेशन बहुत बढ़िया मजा आ गया तीन जीरो चार बाई टू तो आप लिखोगे इसको तीन कॉस जीरो तीन कॉस जीरो इज थ्री जो बच्चे नए आए भैया देख लेना कंसेप्ट पोलर कोऑर्डिनेट का वीडियो देखकर एक क्वेश्चन आ रहा है आपके एयरफोर्स के एग्जाम में नेवी के एग्जाम में और यकीन मानना मैं आपको पागल नहीं बनाऊंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको उन 25 के 25 क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा जो आपके एयरफोर्स और नेवी में आते हैं वो आप देखोगे अपनी आंखों के आगे इस बोर्ड पर होते हुए हम कराएंगे हम तुम्हें ये नहीं कराएंगे कि उन सत्रह में एक पढ़ाते रहे कि वही सत्रह पढ़ते रहो वही अट्ठारह पढ़ते रहो पेपर आएगा आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छी मैथ हो रही है हमारा काम चल जाएगा लेकिन फिर आप पेपर में तो आप परेशान हो जाओगे ना फिर बाद में मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं टीचर कि भैया इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा तो ठीक है मेरी तुमसे कोई वैसी परेशानी नहीं है और मैं सब चाहता हूं कि तुम लोग भी खुददार होके बढ़िया होकर तैयारी करो तो यहां आपको पच्चीस क्वेश्चन का सोर्स मिलेगा एयरफोर्स का और वन क्वेश्चन एनडीए का पूरे का पूरा सोर्स मिलेगा हर चैप्टर जिस लेवल तक जाएगा देख लेना आप लोग ठीक है सभी चैप्टर जैसे होते हैं थैंक यू शिवम धीमान फॉर सच ह्यूज टाइटल चलो तीन कॉस जीरो कौस जीरो एक होता है तो तीन तीन साइंस जीरो इज तीन चार कॉस नब्बे इज जीरो चार साइन नब्बे साइन नब्बे एक होता है चार डिस्टेंस फॉर्मला लगाओगे तीन चार का ट्रिपलेट तो चार होता है पांच होता है सर खत्म तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं उनको पोलर कोऑर्डिनेट नहीं पता तो फोर माइनस थ्री का स्क्वायर और पाए बाय टू माइनस जीरो का स्क्वायर और यहां गड़बड़ हो जाती है पांच ऑप्शन में होता है गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वो तो डायरेक्ट डिस्टेंस लगा देते हैं लेकिन उनको पहले क्या पता होना चाहिए भैया पोलर कॉर्डिनेट क्या आप लोगों की समझ में आई बात राम राम अंकित राम राम संजय चलो जल्दी से 400 लाइक करो वीडियो पे यार 380 के आसपास रोक रखा आपने तो ये कुछ बहुत शानदार चीज़ें पढ़ी आपने सर्कल के अंदर ठीक है इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं ध्यान से देखना सर क्या ये इंटीग्रेशन में भी हेल्प करता है अरे बहुत करता है भैया सर मेरे पेपर में आया था मेरे को तो टाइम लग गया क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला नहीं पता था अब मैं कैसे करूं सर देखो कौन बच्चा मेरे को इसका आंसर रॉकेट की तरह बताएगा अगेन प्रीवियस ईयर एयरफोर्स एंड एनडीए नेवी में नहीं अभी तक पता लगा है कि ये क्वेश्चन आया लेकिन एयरफोर्स एनडीए में माइनस दो से दो अंडर रूट चार माइनस एक्स स्क्वायर अरे भाई अभी पोलर कोऑर्डिनेट अभी इंटीग्रेशन पे कैसे कूद गए सर भाई आप ये बताओ क्या ये सब कुछ सर्कल ही तो कर रहा है मैं थोड़ी कर रहा हूं थैंक यू आयुष रावत तो ये इसी आग को आप लोग जलाए रखो और शेयर करो मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप में भैया ठीक है ट्रेंडिंग में लाओ इस वीडियो को और जिसने भी सर्कल कहीं पढ़ रखा है तो एक बार जरूर देखे इसको कि सर्कल्स होता क्या है कैसे पढ़ाया जाता है और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर्कल का एट पाई हरीश शर्मा ने बोला है प्रियांशी अगरारी न्यू इन क्लास ओके तो आप पढ़िए सेशन को पढ़िए समझिए थैंक यू शिवम यू आर अ बादशाह ऑफ मैथेमेटिक्स बादशाह जैसा कुछ नहीं है मैथेमेटिक्स तो बहुत बड़ा है हम अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट नहीं मानते इस चीज़ का लेकिन हमें हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो सिर्फ एक दो चीज़ें समझ कर अपने आप को राजा बोलते हैं मैथ्स बहुत बड़ा है बहुत अपार है ठीक है हम आई आई टी भी पढ़ाते हैं हम फिर भी मानते हैं कि नहीं यार हम उस लेवल पर नहीं है एक अलग ही रामानुजन टाइप की कोई अप्रोच हो कुछ डिस्कवरी हो तो उन लोगों के लिए बहुत डाइ हार्ड रिस्पेक्ट है वो असली बादशाह है मैथ्स के हम तो बस एक जरिया हैं कि हम उस चीज़ को आपको समझा पा रहे हैं ठीक है हाँ बस इसका बिल ये हम आपको समझा पा रहे हैं इन सब चीजों को तो फिर भी आपके प्यार के लिए बहुत सारा बहुत सारा प्यार चलो भाई कैसे करें सर इस इंटीग्रेशन को कोई बात नहीं सभी के सभी मैदान में आ जाओ भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज अक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसको हम आज तीसरी बार ड्रॉ करने वाले हैं और आपकी आंखों में ये फोटो बस चुकी होगी कि सर ये तो हमने पढ़ लिया है इससे इस बार आप क्या करने वाले हो आप पोलर कोऑर्डिनेट आपने करा दिया एंगल को घुमाना आपने करा दिया जनरल पॉइंट सर्कल पे कैसे लेते हैं वो आपने करा दिया अब कैसे करें सर और कैसे कैसे आ रहा है एग्जाम में ये सब पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छी बात है अभी तो हमने क्या किया है हम तो वही सर्कल किया है जिसका सेंटर जीरो ज़ीरो है अभी तो पूरा सर्कल पढ़ना है भैया जीरो जीरो वाले ने देखो कितनी तबाही मचा रखी है क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिल रखी हैं अभी जब पूरे और सेंटर वाला पढ़ोगे तो और भी मज़ा आएगा अरविंद चौधरी बोले सर जीरो सेकंड लिए इसके लिए शाबाश 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 आप पढ़ रखे हो मेरे से बहुत अच्छी बात इसी प्रकार से अच्छी चीजें पढ़ते रहो सच के साथ रहो हम आपको सच्चाई दिखाएंगे आपके पेपर की ठीक है हाँ वही आपको पंद्रह सोलह क्वेश्चनों में नहीं घुमाएंगे और जो सच के साथ रहता है रैंक उसी की आती है सिलेक्शन बहुत अच्छी बात है आप सबका हो मैं रैंक होल्डरों के साथ तय दिल से जुड़ा हुआ हूं और आज तक रैंक आती रही है तो अब भी आएंगी तो अच्छा लगेगा हमको बहुत चलो भाई इस सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं ड्रॉ किया ये आएगा आर कॉमा जीरो माइनस आर कॉमा जीरो जीरो कॉमा आर और जीरो माइनस आर ठीक है यार इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व भी तो होता है हाँ जी सर होता है तो क्या यहां से मैं वाई को ये लिख सकता हूँ एक्सक्वायर को यहां ले जाके क्या अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस हाँ जी सर लिख सकते हो y यानी ये कर्व और अगर मैं माइनस आर से आर तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं तो सर ये डाउन द एक्सिस एरिया दे देता दे है ये हमको पता है अगर मैं माइनस आर से आर एक एक चीज समझना इंटीग्रेशन की माइनस आर एक्स कॉर्डिनेट है आर एक्स है दोनों एक्स है तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दू तो डाउन द एक्सिस एरिया दे, दे देगा यानी आप कहीं से लेकर कहीं तक कर्व को इंटीग्रेट यानी उसका समाकलन करते हो इंटीग्रेट करते हो तो वो अपना क्षेत्रफल दे देता है तो माइनस आर देखते रहे ना माइनस आर से आर तक कौन सी एक्सिस पे लिमिट लिए एक्स एक्सिस तो पीछे क्या लिखो एक्स एक्सिस यानी डी एक्स किस को इंटीग्रेट करा है? कर्व को कर्व क्या है वाई वाई की वैल्यू बोलो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये डाउन द एक्सिस का एरिया देता है क्षेत्रफल दे देता है अब बच्चे सर क्या करते हैं बच्चे सर ए स्वायर माइनस एक्स स्क्सू एक्सर साइन इनवर्स एक्स बाय फिर इंटीग्रेशन करके वैल्यू लिखते हैं दो और माइनस दो फिर गड़बड़ हो जाती है ठीक आप आप लोग सुनो क्या आप देख पा रहे हैं यार ये आधा सर्कल है क्या आप देख पा रहे हैं ये एक आधा सर्कल है जी सर हम देख पा रहे हैं सेमी सर्कल है अर्धव्रत है पूरे सर्कल का क्षेत्रफल सर जी पाईआर स्क्वायर ठीक है सातवीं आठवीं क्लास की बात ऊपर वाला भी है नीचे वाला है पूरा सर्कल लेकिन इंटीग्रेशन तो आधे की हुई है माइनस आर से तो या तो 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 हमने स्टार्ट किया केंद्र जीरो जीरो से लेकिन क्वेश्चन कहां कहां के हो रहे हैं क्वेश्चन कहां कहां के हो रहे हैं तो क्या आप, आप लिंक कर पाएंगे बिल्कुल कर पाएंगे माइनस दो ये दो ये और जो भी माइनस दो से दो है उसका स्क्वायर होना चाहिए इधर तो दो और माइनस दो का स्क्वायर बोलो चार ही तो होता है यार या ही तो है। तो देखो आर की जगह दो माइनस दो इसकी जगह दो माइनस दो से दो और माइनस दो का स्क्वायर चार तो आप लिख सकते हो पाईआर स्क्वायर बाय टू पाई आर स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर एरा कितना चार तो आप लिख सकते हो फोर पाई बाई टू भैया पाई आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर ही तो है ये चार क्या है दो का स्क्वायर ही तो है तो पाई दो का स्क्वायर यानी चार बटे दो दो से एक अटा आंसर बोलो टू पाई समाप्त क्या आपकी समझ में आई बात धुआं हो गया धुआं धुआं हो गया बहुत बढ़िया शाबाश ऐसी चीजें पढ़ो यार कंसेप्ट पढ़ो बिल्डअप करो कॉन्फिडेंस लेके आओ ट्रिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्या देखो किसने पढ़ाया तुम्हें मैंने तो बताया किसने पढ़ाया पढ़ाया एंटी घूम घूम जाते जाते हैं हैं तो तो प्लस कर दो, जाते हैं तो माइनस कर दो दो माइनस किसने आपको पोलर कोऑर्डिनेट को आर कॉस्टिटाइन लिखते हैं किसने पढ़ाया है आपको सर्कल पे जनरल पॉइंट को आर कॉस्टिटा आर साइन डीटा कैसे प्रूव करते हैं तो ऐसे पढ़ने का फायदा क्या होता है आपको याद रह जाएगा जिंदगी भर दिनू सिंह बहुत अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है आपकी ठीक है चलो ऑसम सेशन एक्सोडें क्या नाम है भैया आपका पेप्सोडेंट रख लो एक्सोडेंट मतलब चलो आपके लिए बिल्कुल हम लोग सेशन को दो घंटे मैंने बोला भी था कर रहे हैं टेंशन ना लो ऋषि शाहू बहुत बढ़िया चलो भाई ठीक है सर और कुछ भी हो सकता है क्या इसमें अरे बिल्कुल हो सकता है यार कोई माइनस आर से आर मत करो एक काम करो जीरो से आर तक इंटीग्रेट कर दो तो, ये तो जीरो जीरो होता है ना सेंटर केंद्र ये रहा, जीरो से आर तक कर दो जीरो से आर तक करोगे तो एक क्वाड्रेंट ही तो आया चतुर्थांश और क्वाड्रेंट तो सर्कल का चौथा पोर्शन है तो इस बार सर अगर इंटीग्रेशन माइनस आर से आर आती है तो हम ये कर सकते हैं ठीक है अगर जीरो से आर आ जाए तो सर क्या करें लो भैया जीरो से आर के लिए एक बटा चार करना पड़ेगा सर्कल के एरिया को पाई आर स्क्वायर बाय फोर माइनस आर से आर आएगी तो आधा सर्कल तो सर हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा समझ गए तो करो एक दो क्वेश्चन और जल्दी से बताओ आंसर आप लोगों ने तो बनाई फॉर्मुले मेरे साथ कोई मेरे खुद की ट्रिक थोड़ी ना है और ट्रिक व्रिक सब बेकार है अगर आपको कंसेप्ट से मैं नहीं बता पाऊं ट्रिक अब आप घूमोगे नहीं कभी भी क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे लिखो जीरो से नौ अंडर रूट में इक्यासी माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस छ से छह अंडर रूट में छत्तीस माइनस एक्स स्क्वायर एक ही कमेंट में दोनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए भाई मेरे को एक ही कमेंट में दोनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए वाईफाई डिफेंस एग्जाम पर चैनल क्लासेस चलती हैं आप सब लोग वहां पर आए और लाइव वाचिंग जितने भी विद्यार्थी उनको मैक्सिमम मात्रा में जोड़ें नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है आप सब लोगों को पता है एनडीए का आ चुका है तो होपफुली मान के चलिए मैं तो ये चाहता हूं अगस्त से पहले ही एग्जाम हो जाए लेकिन मान के चलिए अगर सब कुछ चीजें फेवर में रहती हैं तो होगा अदरवाइज एनडीए से पहले तो होगा ही होगा एनडीए न्यू बैच धानू शर्मा हम लोग वाईफाई डिफेंस एग्जाम पर क्लास लेते हैं और हमारा एनडीए का न्यू बैच इसी वीक में मान लीजिए पंद्रह के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा तो अभी ठीक है अभी हमारा कोई बैच नहीं चल रहा है जो प्रॉपर बैच है अभी हम सिर्फ जस्ट वाईफाई डिफेंस एग्जाम पर पढ़ा रहे हैं एक्सपीरियंस हमारा सात साल का है आप हमारे नाम से नीरज सिंह बैसला दागोज की जो पूरी टीम है शैलेंसर फिजिक्स सुमन मैम इंग्लिश यूट्यूब या गूगल कर सकते हो ठीक है आप वहां से उनके बारे में पता कर सकते हो कि क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है डिफेंस के इस एग्जाम को लेकर और अब हम वाईफाई के साथ जुड़कर बहुत बड़े लेवल पर इस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं पूरे इंडिया में डिफेंस को एक तरफा दिखाने के लिए कि क्या एग्जाम में आता है और सच्चाई क्या है पेपर की तो अभी हमारा बैचेस पंद्रह के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगे तब तक आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहें आगे की अपडेट्स के लिए आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया मैं भी लिख देता हूँ यार दिस इज जीरो एंड दिस इज आर एंड नाइन का स्क्वायर एटी तो ये रहा यार ये ना? जीरो हो गया नौ हो गया और नौ का इक्यासी हो गया तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर बटे चार और ये इक्यासी है तो इक्यासी पाई बटे चार खत्म करो क्या कर रहे हो पता नहीं बच गया ना इंटीग्रेशन का टाइम माइनस आर से आर माइनस आर से आर यानी तो या छत्तीस होगा छह का स्क्वायर छत्तीस तो छत्तीस है तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर एरा तो आर स्क्वायर कितना है छत्तीस तो छत्तीस पाई बटे दो यानी अट्ठारह पाई ठीक है बहुत सही आंसर एट एटीन पाई बाय फोर एंड एट पाई एट पाई एट पाई एटीन पाई सॉरी नॉट एट पाई ठीक तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई बहुत बढ़िया बहुत शाबाश अब आप एक काम करें एक क्वेश्चन लिखें कौन बच्चा इसका आंसर देगा एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एनी पॉइंट ऑन द सर्कल माइनस टू फोर कॉस अल्फा टू फोर साइन अल्फा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल वेरी इंपॉर्टेंट अगेन तीन स्टार लगा लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी में लिखें. व्रत पर अगर कोई बिंदु व्रत पर अगर कोई बिंदु अच्छा मैंने गलत लिख दिया है माइनस दो प्लस चार कॉस अल्फा चार प्लस चार साइन अल्फा ये लिखो व्रत पर अगर कोई बिंदु ये है व्रत पर अगर कोई बिंदु ये है ठीक है तो व्रत का समीकरण बताएं अभी तक आपने जो सर्कल किया उसका केंद्र मिनट जल्दी से देखें भाई फिर आपकी फिजिक्स की भी क्लास है देखो सर ठीक है पांच मिनट और इस सेशन को रखते हैं कल हम जुड़ते हैं वाईफाई डिफेंस एग्जाम पर जल्दी से सेशन देख लीजिए अभी हमने सिर्फ सर वो सर्कल पढ़े वो वो करे हमने क्वेश्चन जो हमारे आपने पढ़ाए जिनके सेंटर जीरो जीरो है यानी ये वाला एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और इसके ऊपर सामान्य बिंदु जनरल रूप आपने कैसे लिखा आपने लिखा सर आर थीटा कॉमा आर साइन थीटा इसके ऊपर सर आपने पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखे क्योंकि समरी कर रहा हूं आज की क्लास की पोलर कोऑर्डिनेट लिखे हमने आर थीटा आर थीटा को सर ओपन करना आपने सिखाया आर थीटा आर साइन थीटा ठीक है भाई अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में बोलता है और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में बोलता है तो आप इस केस में उसको प्लस करेंगे और इस केस में घड़ी की विपरीत दिशा में आप उसको प्लस करेंगे आर cos थीटा प्लस अल्फा क्योंकि वो तो है उसके बाद से आर साइन थीटा प्लस अल्फा और घड़ी की विपरीत दिशा में आप माइनस करेंगे आर cos घड़ी की दिशा में आप माइनस करेंगे आर cos थीटा माइनस अल्फा आर साइन थीटा माइनस अल्फा फिर आपने इंटीग्रेशन पढ़ी आज कि अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर से आर होता है पाई आर स्क्वायर बाय टू और आपने पढ़ा जीरो से आर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स ये होता है पाई आर स्क्वायर बाय फोर तो ये आज की क्लास की पूरी समरी है केंद्र जीरो जीरो रेडियस आर वाले के बिंदु होते हैं आर कॉस्टा आर साइन थीठा जिसका पोलर कोर्डिनेट ध्रवीय रूप से हम आर थीठा भी लिखते हैं कहीं भी आर थीटा लिखा हो आपको खोलना आना चाहिए आर कॉस्टीटा आर साइन जिससे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के प्रीवियस ईयर एयरफोर्स के तीन क्वेश्चन करे फिर हमको पता है अगर कोई जनरल बिंदु दे दे व्रत के ऊपर और हमसे बोले कि भैया वो नब्बे डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चला गया साठ डिग्री घड़ी की दिशा में चला गया तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में कौन को इसमें प्लस कर दोगे घड़ी की दिशा में माइनस कर दोगे ठीक है और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हमने इस प्रकार से करे आप सब लोगों की समझ में आज की क्लास की समरी आई ठीक अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे और फिर हम आपसे मिलेंगे कल की क्लास में और बहुत अच्छा सेशन रहा आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन के साथ देखते हैं कैसे आप लोग इसको करोगे सर जिन सर्कल्स के सेंटर ओरिजिन नहीं होते वो तो अभी आपने लिखवाया था एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बिल्कुल यही था तो सर इसके जो जनरल पॉइंट हैं इसके ऊपर जो सामान्य बिंदु हैं वो कैसे लिए जाते हैं उसमें तो आर कॉस्टा और आर साइन थीटा लेते थे बिल्कुल यार क्योंकि यार अगर आप आर थीटा आर साइन थीटा इसमें नहीं लोगे तो आर एच एस एल एच एस आर एच एस हो भी कहाँ प्रूव रहा है तो मैं तो आपको दोनों तरफ से दिखा दे रहा हूँ हमने ग्राफ से भी बना के कर दिया था कि सर आर थीटा आर साइन थीटा है तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो साइन स्क्वास्कटा वन तो एल एच एस बराबर आर एच एस तो यानी हमको भी ऐसे कोई पॉइंट लेने इस पर एल एच एस आर एच एस सेम है और ग्राफ भी फॉलो करे जब भी सेंटर ओरिजिन से आगे चले गए यानी वो शिफ्ट हो गए शिफ्ट हो गए तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन तो पहले आप सेंटर को रिड्यूस करोगे यानी जो भी इसका सेंटर है पता ना इसका सेंटर क्या थे इसके केंद्र क्या थे सर इसके केंद्र थे एच कोमा के तो इसके जनरल पॉइंट में कुछ नहीं करना है आर कॉस्टा पहले भी होता था जब सेंटर ऑरिजिन थी आर थीटा पहले भी होता था जब सेंटर ऑरिजिन थी इस बार बस क्या करना है जो भी सेंटर है उसको इसमें प्लस कर देना है यानी अगर कभी इस प्रकार से बिंदु दे रखे हैं तो जो आर कॉस्टिटा के आगे लिखा है वो सेंटर एक्स है और सेंटर वाई है यानी ये भी आप लोग सीख गए अगर कभी इस प्रकार से दे रखा है तो ये हमारा सर्कल के ही जनरल पॉइंट है बस आगे वाले सेंटर हैं जीरो जीरो में ये नहीं दिखते थे तो ये गायब हो जाते थे बस आर थीटा और आर थीटा दिखते थे तो मुझे बताओ अगर किसी बिंदु पर एक सामान्य बिंदु दे रखे हैं तो श्रत का समीकरण बना लोगे बन जाएगा सर देखो कैसे आर कॉस्टा आर साइन थीटा यानी आर तो हो गया चार देखो चार कॉस्टा चार साइन थीटा ठीटा अल्फा इसके आगे जो लिखा है वो सेंटर होता है तो एच हो गया माइनस दो उसके आगे जो लिखा है वो सेंटर होता है वाई का वाई हो गया यानी के हो गया दो तो इक्वेशन हो गई एक्स माइनस ठीक है एक्स माइनस एच का स्क्वायर एच कितना है माइनस दो यानी ये हो गया के के हमारा यहां पे चार है इसको सही कर लो क्योंकि फोर साइन अल्फा के आगे चार है प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ठीक है यार और खतम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटीन वाई ठीक है माइनस एट वाई सोलह से सोलह कैंसल दो का स्क्वायर चार कैलकुलेशन आप लोग कर लेना ठीक है मैं थोड़ा सा वैसे जल्दी से कर देता हूं तो मेरा आंसर आ गया ठीक तो बहुत बढ़िया क्लासेस रही आज की आज हमने सर्कल का बेसिक्स पढ़ा और बेसिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी जो आपके प्रीवियस ईयर आए हैं तो चलो भाई आज के सेशन में आप लोगों से अलविदा लेते हैं कल की कक्षा में मिलते हैं वाईफाई डिफेंस एग्जाम पर सभी इस वीडियो को दो दो बार जरूर देखें क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं और तुरंत इसके बाद अभी फिजिक्स की क्लास है उसमें बने रहें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सेशन इन्जॉय कर रहे हो इंग्लिश में इतनी मात्रा में फिजिक्स यहाँ पर भी आप दो सौ बच्चे थे बहुत अच्छा लगा देखकर एक्स एच और एक एक लाइन उल्टे लिए हैं उल्टे नहीं लिए बेटा देखो ना इधर एच रखोगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा तो यहां पे मैंने क्या बोला आर थीटा के आगे एच होगा एच हो गया माइनस दो वाई हो गया के हो गया चार और होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर ये नहीं पता आपको तो माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा चलो ठीक है इंग्लिश की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं तब तक एक नाम एक काम जय हिंद नीरज सिंह बैसला का आप सबसे और फिर मिलते हैं इन्हीं बढ़िया सेशन के साथ पढ़ते रहिए मेहनत करिए इस बार ही सिलेक्शन लीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को